वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई को हमारा जो ये ग्रुप है उसमें एक जने का बर्थडे आता है और वो है वेरी क्यूटेस्ट वेरी हमारी बेस्टी बोल रहा था मैं है मतलब बीच भी आना बहुत जरूरी है ठीक है। तो गाइस अब हम दोनों तो दिखाई दे रहे हैं। तो पारुल का बर्थडे है आज और मैं श्वेता के घर पे आ चुका हूँ क्योंकि हम लोग पारुल के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं। हम यहाँ पे पूरा सजाएंगे उसके लिए, थोड़ा डेकोरेशन करेंगे इसकी एकेडमी को। और मिले थोड़ा सा मुश्किल हुआ यहाँ तक आने के लिए क्योंकि पारुल और मैं हमेशा साथ में ही आते हैं। जब भी हम दोनों आ रहे होते हैं इसके घर पे तो मुझे उसे झूठ बोल के आना पड़ा और वो मानती नहीं है, तो मैंने उसे झूठ बोल के आ गया हूँ। हम जल्दी से डेकोरेशन शुरू कर रहे हैं क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, वो भी आ जाएगी निकल गई और सारा प्लान ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आते हैं, मेरी बाकी वीडियोस भी पसंद आते हैं तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर देखें। हाँ विदाउट स्किप आगे बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आएगा। हमें वो कहीं पार्टी भी देने वाली है, हमें नहीं पता है, बट हम लोग देखते हैं वो कहाँ लेके जाएगी। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर अब हम डेकोरेशन शुरू करते हैं। आप जब तक यहाँ पीछे बैठ के देखिए। हमें करना है और अभी हमें रेडी भी होना है। तो गाइस अब हमारी जो भी क्या कहते हैं डेकोरेशन है वो तो हमारी कंप्लीट हो रही है, अब बस हमें तैयार होना है और पारुल भी निकल रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में आ जाएगी। हाँ। इधर है ना, वो आधे घंटे में आ जाएगी, उससे पहले हमें जल्दी से तैयार होना है और हम थोड़ी सी जो छोटी मोटी डेकोरेशन है वो दिखाता हूँ मैं आपको। श्वेता के कमरे में बैठी हुई है, तो अभी मैंने एक दो लाइट चला लिया क्योंकि वरना ये सब कुछ दिखेगा बाहर से। तो अभी बस वो आएगी फिर देखते हैं जल्दी से, अभी रखता हूँ मैं। और ये गाइस तो अब हम उसे बुला रहे हैं, हमारा सारा सेटअप रेडी है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, तो बस अभी बुला लिया उसे। तो अब बारी है गिफ्ट सेरेमनी की। तो गिफ्ट सेरेमनी यस, तो मैं चाहता हूँ सारे यही ओपन होंगे। इतना क्या हैवी वर्ड हमारी श्वेता जी से मैं
क्या टरना चाहता हूँ? गुजारिश टरना चाहता हूँ। आई थिंक इसको ये पता है कि क्या है, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले पूछा था। मुझे पता है क्या है, पहले बताइए क्या है। या तो शूज है या हील्स है। हील्स है आई थिंक। चलिए खोलिए वॉयलेट अपना डब्बा। शूज का है ना? तो नहीं, थोड़ा खोल। तो क्या है जरा देखिए, कुछ लिखा हुआ है इस पर, पढ़िए। हैप्पी बर्थडे, इट्स प्रैंक। बट असली गिफ्ट ये था। अच्छा गिफ्ट आया। ओह गिफ्ट, पहले आइडिया तो देना पड़ेगा। शाइनी। नो, पहले दूसरा भी खोल ही लो। नहीं पहले मैं इसको इयररिंग समझ रही थी। अपने राइट हैंड में डालने का इसको। क्या बात है, हंसे लिया। हाँ मैं गिर जाऊंगी। अभी हमारा जो गेस्ट कीजिए आप। और मेरे को ऐसे यो दो दो बैग्स हो गए। कैसा लगा पारुल आपको? बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा ही अच्छा। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू। तो अब बताइए क्या करना है आज? हमें पारुल के लिए कुछ बोलना है। बोलना है। मुझे दो बोलो। चलो मेरे लिए कुछ कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे, वेरी 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 हैप्पी बर्थडे एंड गॉड ब्लेस यू और थैंक यू सो मच हमारे साथ इतने टाइम से रहने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारी अच्छी चीज़ बुरी चीज़ सबको इग्नोर करने के लिए। अच्छी चीज़ भी हम कुछ बुरा भी करते हैं तब भी बस। और क्या इसके लिए जितना बोलो कम है। मैं इसे इतना परेशान करती हूँ उसके लिए, शायद बुरा भी लगता। वो कोई बात नहीं लगता, पता है क्या करती है, परेशान नहीं करती है। जब इसको पिक्चर्स अपलोड करनी होती है ना, तो ये 4-5 पिक्स नहीं सेंड करती कि इसमें से बता दे कौन सी डालूं। ये मुझे 50-100 पिक्स सेंड करती है और बोलती है इसमें से बता मैं कौन कौन सी डालूं। अब मैं उसमें से कैसे चूज करूं? ओ यस, मैं साथ तो मैं फिट भी नहीं आऊंगी सोफे में। ओके गाइस, चलो स्टैंड अप। मैं ऐसे स्टैंड अप। ऐसे स्टैंड अप। अरे मैं इतना। चलो आपको कुछ बोलना है फारूक के लिए तो बोलिए। ओके गाइस, तो सबसे पहले तो मैं भी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और सेकंड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो गाइस मैं बस ये बोलना चाहता हूं। मैं हां, तो मैं बस ये बोलना चाहता हूं कि हैप्पी बर्थडे। फिर गिरा दिया उसे। बस हो गया। हालत देख रहे हो? सो गाइस, अब हमने काफी सारी मस्ती करी है हमारी बर्थडे। हमने फोटोज भी बहुत सारी क्लिक की है, आपको भी देखने के लिए मिलेगी। और अब हम जा रहे हैं थोड़ा लंच करने, ठीक है? तो पार्टी कहाँ जा रही, लेके जा रही है? 0 degrees गिफ्ट दे दिया तूने? तूने दे दिया? मैं मेरा दे तो दिया। मेरा गिफ्ट तो ये रहा, मैंने तो दिया ही नहीं अब तक।
अच्छे से ढोलना फाड़ दिया डर ना पूरा क्या हुआ नोवेल है द अल्केमिस्ट अवल इसके बारे में उन्हें बहुत सुना था मिठो लगा बहुत अच्छी होगी तो और अभी मुझे नया नया चस्का चढ़ा है नॉवेल्स पढ़ने का ओह क्या बात है थैंक यू वेलकम चलो क्योंकि पता है मैं तो नॉवेल वगैरह इन दोनों को गिफ्ट कर नहीं सकती इनको तो पढ़ना पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी नहीं है अरे तो गाइस अब हम तीनों जा रहे हैं तो अब हम मिलते हैं तो गाइस अब हम 0 डिग्री हम आज आ चुके हैं जहाँ भी हम जाने वाले थे मतलब ये सीपी में आ गए हम 0 डिग्री आप पीछे देखो 0 डिग्री है मेरे लेकिन यहाँ पर वेटिंग चल रही है हमें ये बात पहले नहीं मालूम थी और अभी हमें कितनी देर लगी थी 20 मिनट्स तो अभी उन लोगों ने तो 20 मिनट्स बोला है लेकिन 30 मिनट्स तो मान ही लो तो अभी देखो भाई कितनी जल्दी होना है कितनी जल्दी नहीं होना है वेट करते हैं हम खा पी के बहुत अच्छे से आ गए हैं तो थैंक यू सो मच पारुल और तू मास्क लगा अभी इसने हमारे साथ इतना गंदा सीन किया इसके मास्क ना लाने की वजह से हमें पुलिस पकड़ लिया था हमें थैंक यू सो मच मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनाने के लिए इतनी प्रिपरेशन करने के लिए इतने अच्छे उसके बदले में हमें पार्टी भी नहीं मिली ढंग मुझे भूख लग रही है अभी वो व्लॉग में इससे पहले दिख चुका होगा कि कितना खाया है और कितना नहीं खाया है बहुत गंदी तरह बहुत हैवी था बहुत लेकिन बहुत टेस्टी भी था तो अब मैं ये ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रहा हूँ गाइस आई होप आपको पसंद आया हो तो चलिए बाय 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 बाय